देखिए ये तो बहुत नाइंसाफी है। मतलब मेरा अगर कुछ खाने का मन है और मैं कैमरा रोल कर देता हूँ और आपको वही रेसिपी देखनी पड़ती है और फिर वही रेसिपी मैं बार बार दिखाता हूँ, अगर मेरा 4 बार पावभाजी खाने का मन होगा तो आप 4 बार देखेंगे, गलत बात है ना। तो ये नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रावर, आज पाव भाजी खाने का मन है। ठीक, पाव भाजी के बनाएंगे वॉफल, वो भी ये डबल रोटी के साथ, ताकि झगड़ा खत्म हो जाए कि यार हमारे यहाँ तो पाव नहीं मिलते, हम पाव भाजी कैसे बनाएंगे। चलो फिर कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी, एक बहुत बहुत पहुंचे हुए शायर थे शिव कुमार बटालवी। वो गाना सुना है ना आपने, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, वो आज का गाना नहीं है, वो गाना उन्होंने लिखा था। और वो गाना उन्होंने तब लिखा था जब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसके पीछे वो शायर बने, वो लंदन चली गई थी और उनको बेटी हुई। तो किसी ने ऐसे ही मुशायरे में बोल दिया, अरे बटालवी साहब उनको तो बेटी हुई है। तो उन्होंने वहाँ पर खड़े खड़े गाना बना दिया, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, गुम है गुम है गुम है, साध गुरादी सोनी फब्बत, गुम है गुम है गुम है। ठीक है जी, तो अगली बार उनको फिर बेटी हुई तो मुशायरे में ही थे वो, उन्होंने पहले ही बोल दिया, देखिए हर बार जब उनको बेटी होगी तो हम कविता नहीं लिखेंगे, पहले ही बता दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो दूसरा है, यहाँ पर हर बार हमारा पाव भाजी बनाने का मन होगा तो हम तो कैमरा रोल करेंगे, आपको देखना पड़ेगा। हर बार हम कुछ नया भी करेंगे ना, पर उस पाव भाजी में क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं बटालवी साहब को याद तो कर ही रहा हूँ, साथ में भाजी की तैयारी भी कर रहा हूँ। ठीक है जी, भाजी में बेसिकली क्या है, जो भाजी मिले डाल दीजिए, लेकिन गाजर गोभी आलू और मटर, ठीक है ना, ये तो ज़रूर डालिए। बटालवी साहब के बारे में हो जाएगी ये वीडियो फिर, है तो बटालवी साहब को अब क्या करें, आपने वो शायराना रणवीर निकाल दिया। तो बटालवी साहब को बिरहा का सुल्तान बोलते थे, बिरहा मतलब बिरह, मतलब जुदाई का सुल्तान, दुख, ही वॉज द किंग ऑफ सॉरो। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, घुम है घुम है। ये है जी उसकी ओरिजिनल धुन, जो पहले बटालवी साहब और फिर महेंद्र कपूर साहब ने गाई थी, वो नहीं जो आपने पिक्चर में सुनी है। कहाँ की बात कहाँ ले जाता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट भाजी का बटर। देखिए कैप्सिकम जो है कुछ लोग उबालते टाइम डालते हैं और कुछ लोग जब भाजी को तड़का लगा रहे होते हैं, छोंक लगा रहे होते हैं, तब डालते हैं। मुझे छोंक लगाते टाइम डालना पसंद है, बिकॉज कैप्सिकम जो है बटर बड़े अच्छे से पीता है। लेकिन जो हमारी घरवाली हैं वो बोल रही हैं नहीं कैप्सिकम डालो उबालते टाइम भी, तो ये उनकी खास डिमांड पे डाल रहा हूँ मैं। तो अगर आप करते हैं अपनी बीवी से प्यार तो चुपचाप कैप्सिकम पहले डाल दीजिए मेरे यार, ठीक है। ये फकीरी वगैरह में कुछ नहीं रखा है बटालवी साहब की, बात अलग है। हो सकता है ये बटालवी साहब की कोई भी बात एडिट पे ना लगे, लेकिन वक्त मिले तो उनको सुनिएगा जरूर। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने दर्द को ऐसे सेलिब्रेट किया है, दर्द को ऐसे सराहा है, दर्द की खुशबू ऐसे फैलाई है कि लोग जो है उस दर्द की खुशबू से मनमोहित हो गए। और बटालवी साहब इज द किंग किंग इन दैट। ठीक है, तो हम पीछे सूरत में ना शूट कर रहे थे तो एक महिला थी बुजुर्गवार, बड़े टाइम से खाना बना रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतने टाइम से खाना बना रहे हैं, एक ऐसी क्या सलाह है जो आप अपनी बहू को, बेटी को, बेटे को, या हर एक को जो भी खाना बनाना चाहता है उसको देना चाहेंगे। तो कहते मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि कभी भी गुस्सा आए ना तो खाना मत बनाओ, गुस्से में बना हुआ खाना जो है वो खाना नहीं, जहर होता है। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू, मूड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है खाना बनाने के लिए, वरना वो खाना जो है वो लगता नहीं है। खाने से जो भाव का निर्वाह होता है ना, तो भाव अच्छा होना चाहिए, अगर भाव मिसिंग है तो मजा नहीं है। दूसरा मेरा क्या है ना कि आप लोग हमेशा कमेंट में लिखते हैं, रणवीर आप तो हमेशा लिख देते हैं कि पाव भाजी में ना वो मुंबई वाला लादी पाव होना चाहिए। अगर हम मुंबई में नहीं रहते तो हम क्या पाव भाजी नहीं खा सकते? तो मेरा दूसरा मकसद ये था कि यार ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से खा सकते हैं, वो भी दिखा देता हूँ। तीसरा मकसद ये था कि बच्चों को पाव भाजी कैसे खिलाएं, यानी कि पाव भाजी को हाई फंडू कैसे बनाएं, तो मैंने कहा वो भी दिखा देता हूँ मैं।
पाव भाजी के वॉफल बना के। रेसिपी बिल्कुल देसी है एकदम अपनी तरह, शक्ल में थोड़ा सा अपन ने डाल दिया ट्विस्ट। अब हम भी पापा हैं ना, तो ट्विस्ट की अहमियत समझते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो सब्जियां हैं बटर और पानी के इमल्जन में पक रही हैं, बटर और पानी दोनों साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उसके सिवाय अगर आप चाहें तो मिर्च जो है अपनी रंग वाली लाल मिर्च उसको सोख करके रात भर छोड़ के उसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा आलसी टाइप का झटपट काम करने वाला इंसान हूँ, इसलिए मैं हर जगह अपनी बेड़गी मिर्च या जिसको आप लोग कश्मीरी चिली देगी चिली बोलते हैं उसका मैं पाउडर करके डाल देता हूँ। तो उस वजह से क्या होता है, रंग का रंग आ जाता है, अपना काम आसान हो जाता है। ठीक है जी, और आप चाहें तो पेस्ट वेस्ट बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ये जो तड़के वाली स्टेज पे शिमला मिर्च डालना बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज शिमला मिर्च प्याज और टमाटर ये ना ऐसे बढ़िया से बटर को ऐसे खींच लेता है और इतना अच्छा टेस्ट देता है पाव भाजी को कि मैं आपको बता नहीं सकता। चलो जी, हमारे कुकर में 4 सीटी बहुत हैं। आप अपने कुकर से पूछ लीजिएगा भाई कितनी सीटी लगेंगी, लेकिन सब्जी जो है वो एकदम मैशी और पल्पी होनी चाहिए। पाव भाजी की मोनोपोली वही है। ठीक, मैंने देखा है कुछ रेसिपीज़ में लोग क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं अरे शॉर्टकट वाली पाव भाजी सीख लीजिए, और वो सब्जी लेते हैं और सब्जी को ऐसे एक कच्ची सब्जी को मिक्सी में डाल के उसका चूरा बना लेते हैं, उसके बाद उसको पानी डाल के पका लेते हैं। ठीक है जी, वो पाव भाजी नहीं है, बिकॉज उसमें एक तो वो टेक्सचर कभी नहीं आएगा। ठीक है, जो टेक्सचर जो भाजी का होता है वो होता है मैश करने की वजह से, जो रेशा आता है जो दाना टूटता है उसका अपना फ्लेवर है, अपना टेक्सचर है। और दूसरा कुकर में सीटी देने में टाइम कितना लगता है ये बताइए, है शॉर्टकट उस चीज़ का होना चाहिए जो बड़ा लंबा प्रोसेस। ठीक, नाइस। सबसे पहली खुशबू बटर की, दूसरी खुशबू वो कश्मीरी या बेड़गी मिर्च की, तीसरी खुशबू सब्जियों की। सबसे पहली खुशबू बटर की, मतलब सब चंगा है। ब्यूटीफुल, देखिए ऐसे गल जानी चाहिए सब्जी, ये देख रहे हैं, ये देखिए। यहाँ पर मिक्सी में नहीं घुमाना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं ये भाजी को बॉयल करके मिक्सी में घुमा देते हैं, वो बात नहीं बनानी, बेसिकली सूप नहीं बनाना। हाँ, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हाथ से मैश होकर ही अच्छा फ्लेवर टेक्सचर देती हैं, तो ये वही है। एक्चुअली पाव भाजी यूट्यूब पे इतनी बन गई है ना कि बगैर पाव के बनाएं पाव भाजी, बगैर पाव भाजी मसाले के बनाएं पाव भाजी, बस ये रह गया, बगैर सब्जी के बनाएं पाव भाजी रह गया, बस वो भी आ जाएगा, बाकी सब तो ट्राई हो गया। अब ब्यूटिफुल, इससे ज़्यादा मैश नहीं करना जी। देखो ये बहुत ही अच्छी लग रही है सब्जी, ये देखिए बीच में आंख में क्या खटक रहा है, वो एक दो जो शिमला मिर्च है ना बस। देखिए घरवाली की पसंद को एक्सेप्ट करें पर अपना ताना बीच में जरूर जोड़ दें। परफेक्ट है जी, परफेक्ट इसलिए न्यूट्रल है, बटरी है, क्रीमी है, मिर्च का रंग है और हल्की सी स्मोकीनेस है चिली की, बस। चलो जी शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। ठीक है जी, अगर आपने मेरी तमाम पाव भाजी की रेसिपीज देखी हैं तो आपने देखा होगा पाव भाजी में 3 चीज़ें हर रेसिपी में कॉमन है, बटर, बटर और बटर। थोड़ा ऑयल इसलिए कि बटर जले ना। ठीक है जी, अब इसके अंदर गया प्याज, और देखिए आमतौर पर मैं क्या कहता हूँ आपको कि अच्छे से गर्म कर लीजिए तेल को, उसके बाद प्याज डालिए। यहाँ पे मैं वो नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मकसद क्या है कि प्याज को स्ट्यू होना है, स्ट्यू धीरे 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 बटर को सोक करना है, एकदम रोमांस होना चाहिए प्याज का बटर के साथ। ठीक है ना, अभी गैस यहाँ पर फुल है और बर्तन जो है वो चौड़ा है, बिल्कुल पाव भाजी के तवे की तरह, बर्तन चौड़ा गैस फुल। ठीक है, क्योंकि जो भी तवा कुकिंग होती है उसमें, पहले भी बोल चुका हूँ फिर बोल रहा हूँ, कि उसमें एक तो इमीडिएटली पकना चाहिए, दूसरा ओपन में पकना चाहिए, ढक्कन नहीं लगता कभी। हेलो जी, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट शुरू में ही डालना है ताकि उसको पकने का वक्त मिले और उसका कच्चापन निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा भुनेंगी नहीं। ब्यूटिफुल, अभी क्या हुआ,
प्याज ने जो है थोड़ा बटर पी लिया, थोड़ा बटर छोड़ दिया, जिंजर गार्लिक पक गया, अब बाकी का मामला रेडी कर लीजिए। अब बाकी के मामले में जो है अपना कैप्सिकम, टमाटर और पाव भाजी मसाला और देगी मिर्च तो जाएगी। खैर पाव भाजी का रंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी, और रंग के लिए कुछ लोग बीटरूट डाल देते हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं, सब्जी उबालते समय बीटरूट डाल दीजिए उससे भी रंग आ जाएगा, या फिर अच्छी क्वालिटी की कश्मीरी या देगी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए ज़्यादा नहीं पकाया मैंने, बार बार मैं वही चीज़ बोलता हूँ, नॉर्थ में हम पाव भाजी को लगा देते हैं हमारा वाला तड़का, प्याज को लाइट ब्राउन किया, फिर एकदम पूरा पंजाबी स्टाइल मसाला बना के उसके अंदर सब्जी डाल देते हैं, फिर बोलते हैं यार वैसा स्वाद नहीं आता, वैसे कैसे आएगा। अगर आप इतना ज़्यादा जोर लगा दोगे, जोर नहीं लगाना, बस उसको बटर में ऐसे बस रोमांस करवाना है, रोमांस। सब्जियों, मक्खन और मसालों के बीच की मोहब्बत का नाम पाव भाजी। पाव मतलब ब्रेड, भाजी मतलब भाजी, तो हम पाव भाजी नहीं बना रहे अभी फिलहाल, ये भाजी बना रहे हैं, और पाव के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेड। टेक्निकली पाव का मतलब ही ब्रेड होता है। पोर्चुगीज जो है जब मुंबई आए तो पाव जो है पाव से आता है, जो कि पोर्चुगीज में ब्रेड को कहते हैं, तो पाव शब्द जो है वहीं से आया है। किसी भी किस्म की ब्रेड को पाव कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप स्लाइस ब्रेड यूज़ कर रहे हैं पाव भाजी के साथ, तो फिर भी आप पाव भाजी ही बना रहे हैं, बिकॉज पाव ये है और भाजी वो है। अगर आप पाव यूज़ कर रहे हैं लादी पाव, तो भी आप पाव भाजी बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग बोले स्लाइस ब्रेड की यूज़ कर रहे हो तो पाव भाजी नहीं हुई, टेक्निकली पाव भाजी हुई। अब समझा, आई हैव मेड अ वीडियो जहाँ पर बहुत डिटेल में पाव भाजी मसाले की रेसिपी मैंने बताई है, रेसिपी पाव भाजी मसाले की उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, अगर आपको लिखित रेसिपी चाहिए तो। बट उससे अच्छा पाव भाजी मसाला बनाने का तरीका आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, मुझे मंडवा लूँगा। ये लो जी, ये क्या भाजी मसाला, रंग के लिए देगी, और ये गई हमारी भाजी। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैं कहते कहते थक चुका हूं, कि भाई भाजी जो है वो भरता नहीं है, भाजी रनी होनी चाहिए, रनी मतलब ऐसे बहनी चाहिए, इतनी पतली होनी चाहिए। हमको नॉर्थ इंडिया में भरता खाने की आदत है, तो हम ऐसे चम्मच से डालें तो वो शेप ले ले तो हम बोलते हैं अच्छा है। भाजी को शेप नहीं लेना है, जैसे आप चम्मच से डालें बह जानी चाहिए, ठीक है, वो है असली पाव भाजी। बता दिया मैंने, वरना आप जो है बाहर से दोस्त वोस्त बुलाते और आप बना के देते बढ़ता, लोग बोलते हैं पाव भाजी नहीं, और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं, बता दिया है। लाइक आई सेड द कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे थोड़ी पतली ही कर लीजिएगा, मोटी मत करिएगा, भड़ता नहीं बनाना, ठीक है। अब ये ली ब्रेड, अब आप चाहें तो ऐसे ब्रेड में डुबो के भी खा सकते हैं, हमने कहा थोड़ी कारीगरी करते हैं। ये कारीगरी जो है आप जिस तरह से मैं कर रहा हूँ वैसे भी कर सकते हैं, सिंपल प्लेन तवे पे भी कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ आपको, मैं क्या करूँगा, इसके अंदर भरूंगा भाजी, ठीक है, उसके अंदर डालूंगा चीज़, उसके अंदर थोड़ा सा डालूंगा धनिया मेरा प्रिय मित्र, और फिर इसको सेक लूंगा ऐसे वॉफल वाले में, ये जो आजकल मिल रहा है ना मार्केट में, ये इसमें, ठीक है। आप चाहें तो अपने सैंडविच मेकर में सेक सकते हैं, चाहें तो तवे पर ही इसको ऐसे दोनों तरफ से क्रिप्सी कर लीजिए, इसमें थोड़ा शेप वेप अच्छा आएगा, मुझे लगा थोड़ी फोटो वोटो अच्छी आ जाएगी, तो हो सकता है आप फोटो देख के आ जाएं रेसिपी देखने। ओके जी, अब तो बहुत सिंपल है, अब लेनी है अपनी ब्रेड और उसको ऐसे रख लेनी है। अगर आपको लगता है ब्रेड ज़्यादा बड़ी है तो साइडें काट लीजिए, नो प्रॉब्लम, वैसे दब दबा के हिसाब किताब ठीक हो ही जाता है एंड में, ठीक है। अब ये भी ले सकते हैं, टोस्टी मेकर भी ले सकते हैं, तवे पे भी सेक सकते हैं, मकसद क्या है, अंदर भाजी होनी चाहिए, चीज़ होनी चाहिए, और मामला क्रिप्सी होना चाहिए, बस ये लीजिए। अब हमारे पास एक्चुअली वॉफल मेकर है पर हमें खुजली है, नहीं एक्चुअली क्या है ना, हर एक के पास वॉफल मेकर होता नहीं है, तो मैंने कहा यार वो वाला काम मत करो, ऐसा कुछ लाओ जो मिल जाए। जो ब्रेड बाहर आ रही है वो जाहिर सी बात है जलेगी, टेंशन मत लीजिए, वैसे भी हम ट्रिम कर देंगे, ठीक है। वाह, साइड्स करो जी ट्रिम, ब्यूटीफुल। अब लग रहा है ना कुछ बना है? देखिए क्या है ना, मेरा मकसद ये था कि एक सिंपल सी रेसिपी दिखाता हूँ कि बच्चों के टिफिन के वॉफल कैसे बनाए बच्चे भी भाजी से, लेकिन मैंने कहा भाजी भी बना ही देता हूँ ना, लगे हाथ आपको पाव भाजी बनाने भी आ जाएगी। दूसरी चीज़,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजी, रात की कोई भी बची हुई सब्जी लीजिए, उसको हल्का सा मैश करिए, पानी डालिए, अच्छे से मैश करने के बाद ऐसे चीज़ के साथ थोड़ा पाव भाजी मसाला डाल दीजिए उस सब्जी में, चीज़ के साथ ऐसे भर दीजिए, थोड़ा सा मेयोनेज़ अगर डालना है तो मेयोनेज़ डाल दीजिए अंदर से या ऊपर से, तो बेसिकली आपका टिफ़िन वाला वॉफल सैंडविच रेडी हो जाए, ठीक है जी। तो मेन मकसद जो था मेरी रेसिपी का ये था, लेकिन हम कान कभी ऐसे नहीं पकड़ते, हम ऐसे पकड़ते हैं क्योंकि हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी होती हैं और एक रेसिपी के जरिए बहुत सारी चीज़ें बतानी और दिखानी होती हैं, इसलिए हमने ये लंबा रास्ता चुना ताकि आपको भाजी की रेसिपी मिल जाए और बगैर पाव के पाव भाजी कैसे बनाए वो भी मिल जाए और बची हुई भाजी को बढ़िया से टिफ़िन में कैसे इस्तेमाल करें वो भी मिल जाए। अब मेरा मन जो है वो शांत हो गया, मैं सब बता दिया। अब ये वाला जो वॉफल है ये वॉफल आयन में बना हुआ है, मतलब वो वॉफल मशीन होती है ना उसके अंदर बना हुआ है, तो इसमें कलर थोड़ा ज़्यादा इवन है, स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो अगर वॉफल आयन है, वॉफल मशीन है तो उसमें बना लें, नहीं तो टोस्टी मेकर है मैंने बोला ना उसमें बना लें। इन्होंने पीछे क्या किया, बच्चों ने बोला हम भी बना के दिखाएंगे एक बार, तो वो भी ट्राई कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा अब बनाया है तो दिखा देते हैं सबको कि अगर मशीन में बनाएंगे तो ऐसा और चूल्हे में बनाएंगे तो ऐसा। लग रहा है कुछ है, और वाकई में कुछ है, कुछ क्या बम है साहब। आप गुम मत हो जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, करवा दीजिएगा लोगों से। क्या मज़े की पाव भाजी भी सीख लिया आपने, बची पाव भाजी का क्या करना है वो भी सीख लिया। अगली बार बनाएंगे पाव भाजी, अभी क्यों बताऊँ मैं, नेक्स्ट टाइम।